Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hi everyone, now we are going to do question number 5 of exercise 9C, 8th standard. On what sum of money will the difference between the simple interest and the compound interest for 2 years at 5% per annum be equal to Rs. 50? हमको बताना है कि किस कौन से रेट से हमको यहाँ पे हमको व्हाट सम ऑफ मनी मतलब हमको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है डिफरेंस जो होगा सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 5% के हिसाब से वो हमारा 50 के इक्वल होगा। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन फोर्थ नंबर अगर आपने पढ़ा हो अगर आपने नहीं पढ़ा तो फोर्थ नंबर मैं आपको बताऊंगा सलाह दूंगा फोर्थ भी पढ़िए जा करके क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लगभग एक जैसे हैं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे एज 100 और उसके बाद हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 2 ईयर्स तो वो आ जाएगा हमारा 10। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो हमारा आएगा 110.25। अब देखिए इसमें ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे ये हमारा जो आया है ये अमाउंट है उसके बाद हमको यहाँ से अमाउंट के बाद निकालना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट उसको A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आएगा 10.25 और फिर CI और SI के बीच का जो डिफरेंस था हमारा 10.25 माइनस 10 करके हम 0.25 करके निकाल लेंगे और ये डिफरेंस जो आया हमारा ये 100 रुपीज़ प्रिंसिपल के हिसाब से आया। अब हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और देखिए कैसे करेंगे कि जब डिफरेंस 0.25 रुपीज़ है यहाँ रुपीज़ नहीं लिखा गया है बट इट इज़ कंपलसरी टू राइट व्हेन डिफरेंस इज रुपीज़ 0.25 देन सम इज इक्वल टू रुपीज़ 100। जब 0.25 डिफरेंस था तो हमारा प्रिंसिपल था 100 रुपीज़। जब हम रुपीज़ 1 लेंगे अगर डिफरेंस के हिसाब से तो ये डिवीज़न में जाएगा डेफिनेटली 100/0.25 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए हमारा जब हम रुपीज़ 50 ले लेंगे एज अ डिफरेंस तो वही हमारा यहाँ पर जो नंबर था उसमें 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको पता लगेगा इसको सॉल्व करने पर कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20,000 है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 था हमने सॉल्व किया था और सेम उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें प्रिंसिपल आया है 20,000 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।